गुड इवनिंग, हमारे सेब के लग एप्पल हम लेके आए एक किलो। वॉक करते करते हम लोग ना इधर को आ गए। मैं इधर प्रीति वॉक करते करते यहाँ पे आ जाती है। और प्रीति ने ऑर्डर किया एक मिक्स वेज पांडा। इवन हमने घर पे खाना खाया था फिर भी ये कह रही है कि चलो होलपुर का खा लेते हैं, अच्छा भी रहता है। हाँ, और ये मैं इसमें तो तुम एक ये ना ऐसे एप्पल ले घूम रही, सारे एप्पल नीचे गिरा दिए, लिफाफा फट गया, तेरे हाथ से छूट गया, हाथ से छूट गया ये। और हम लोग ना मम्मी से बात करते 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 आ गए स्पीकर ऑन करके मम्मी से बात कर रहे थे। और हम सोच रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा सा टहल के आ जाएंगे, बट हम बातें करते करते आ गए और ब्लॉग अभी जस्ट आएंगे यहाँ पे। तो मस्त लाइफ है ना सर, तुम फिर तुमने हॉस्टल लाइफ देखी ना? नहीं मैंने देखी है, ये ऐसी वाली नहीं देखी। पर हॉस्टल ना 7-8 बजे बंद हो जाते थे हमारे उधर, मुझे लगा मैं वॉक करके आई ना। मेरे को आज लग रहा था कि मेरी 3 किलोमीटर वॉक भी नहीं हो पाई, बट 5.3 किलोमीटर हो गए। यार मुझे वो सेंड कर जो मैंने ड्रेस देखी थी, मैंने तूने रील नहीं बनाई थी, बट वो ड्रेस ना मैं लेने लगी, पर मैंने ली नहीं क्योंकि वो 7.5-8 हज़ार की थी। फोटो मेरे फोन में थी वो, रितु कुमार किसके फोन में थी फोटो? मेरे फोन। तूने खींची थी शायद, खींची है ना? दिखाना मुझे, दिखाना। वहाँ पे लग रहा है कि इतनी अच्छी लगी पहनी हुई, लेकिन जब हम इसको अभी देख रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रही है, पहन के ही लुक आता है अच्छा। दिखाना कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। हाँ, ये देख पीछे से देखिए, हाई में काश ले लेती है अगर मेरे पास पैसे होते। तो यार 7 हज़ार के 7 सूट आ जाएंगे यार। हाँ, बट फिर ये ड्रेस ही है ना, जैसे बर्थडे भी पहनने के लिए परफेक्ट था ये, बट इट्स वेरी कॉस्टली यार, बहुत कॉस्टली। फिर है भी रितु कुमार है। मुझे भेजना ये फोटो, ये तो बड़ी, ये मुझे ना उसके सारे सूट अच्छे लगे, सारे सूट। एक लेबल रितु कुमार है, एक रितु कुमार है जस्ट, तो दोनों सेम है ना। वो कहते आर के बाय लेबल रितु कुमार बाय आर के। हाँ, और मुझे ना एप्पल मिले 110 रुपए किलो, और सेम एप्पल है जो हम गुल चरा से लेके आते हैं, जो होल फोर है उसके सामने जो रेडियां लगती है ना, यहाँ ऐसे ये ग्राउंड है इसके सामने रेडियां लगती है, तो वहाँ से मिलेंगे। बहुत टेस्टी, यमी है ना। हम सोचते थे हमको बाहर लेके लेने के लिए जाना पड़ना था यार। बेटी जब हमारे जाने का टाइम है तब हम दोनों आए, तो हम तू के लिए आती, मैं घर पे रहती ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती है। एक्सप्लोर? इतना एक्सप्लोर हमने कर लिया अल्पर को, भारत है उनके पास, भारत ऑलरेडी वाई वॉक जाते हैं, वाई वॉक आते हैं, फिर वो घर पे रुक जाते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बाहर टहलने। प्रीति की सच्ची में यार, प्रीति 2 मंथ्स में तेरी एवरी डे जो एवरेज निकाले 5-6 किलोमीटर वॉक तेरी होती एवरेज, वो कभी कभी 8 हो गई, कभी 4 हो गई, कभी 3 हो गई, तो टोटल उसका एवरेज 5 निकल गया। कल का मर्द काफी अच्छा हुआ ना कल। क्या हो रहा हमारी वो नहीं? हाँ, हम लोगों ने इतना वॉक 5.7 किलोमीटर तेरी हो भी गई अभी। हाँ, तुम्हारे कितने? मेरी अच्छा, तो एडिट कर रही थी ना मैं सिद्धार्थ को, सुधार तब। हाँ, तब भी, और मॉल में भी ऐसी मैं सिद्धार्थ को लेके घुमा रही थी इधर उधर। हाँ, तब भी होगी, आप वहाँ पे रुक के ट्राई कर रहे थे। और ना मेरी वॉक हुई है 6.2 किलोमीटर। मुझे लग रहा था ना कि मॉल गए हैं तो शायद वॉक नहीं होगी, और आई एम सो सॉरी, मैंने थर्सडे वेडनेसडे पता नहीं क्या। हमारी बन रही है चाय, दूसरी साइड हमने रखी है दाल, उसका सामान काट लिया है, लहसुन प्याज हरी मिर्ची, और हमारे घर में ना गेहूं का आटा ख़त्म हो गया है, तो हमने लेना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने घर जाना है ना। अगर नहीं जाना होगा, वैसे तो जाना ही है, 98% कन्फर्म है, तो फिर ले लेंगे। तो राइस भिगो के मैंने रखे हैं, ये मिक्स दाल को ना सुबह ही भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, उसके बाद उबाल के इसको लगाना है मुझे तड़का, लेकिन पहले हम पियेंगे चाय, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। 10 बज गया है, हम रात को सोए थे 2 बजे, मैं और भारत ना प्रीति और सिद्धार्थ सो गए थे 11:30-12 बजे के अराउंड। एक्चुअली यहाँ पे ना लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है, अगर हम बोले 12 बजे भी 1 बजे भी कोई भी जैसे चल रहा है, एंड लगता ही नहीं है कि मतलब लाइफ बहुत, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की, तो क्या ना रूटीन उस तरह से सेटअप हो गया, फिर हम सुबह उसी के अकॉर्डिंग उठते हैं,
एंड बहुत अच्छा लगता है उठ के। फिर मैं और बारे ना प्रीति तो हम ऑल्फर गए थे, वॉक वूक कम्प्लीट किया, वाई वॉक गए थे है ना। उसके बाद मैं और भारत ओपन एयर थिएटर है ना वहाँ पे चले गए, थोड़ी देर बैठ गए हम गप्पे मारते रहे, फिर इतना टाइम हो गया पता नहीं चला। और वैसे भी जब थोड़ा 12 बजे के आगे वाला टाइम हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रीति तो सो गई थी, तो यहाँ पे मतलब ना बहुत अच्छी लाइफ है। फिर हम यही बात कर रहे थे जब मैं और प्रीति रात को की और कितना अच्छा लाइफ स्टाइल है ना, मतलब लाइक 9 बजे के बाद नहीं तो हमारे उधर सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाती है। ऑब्वियसली यार IIT की लाइफ तो डिफरेंट होती है, लेकिन यार बॉम्बे का लाइफ स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था। जब हम वहाँ पे गए थे हम वहाँ पे रात को 9:30-10 बजे तक तो घूम ही रहे थे। इवन नया शहर था, अनजान शहर है ना, फिर भी मतलब कुछ भी डर नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये थी हमारे लिए बॉम्बे में जाके कि जैसे हम ओबेरॉय होटल में रुके थे और ताज होटल में रुके हुए थे, तो ताज होटल के जो मतलब अथोराइज ड्राइवर होते हैं ना उनको ही हमने हायर किया होता, थोड़ी सी फीस उनकी ज़्यादा होती बट दैट्स ओके। एनीवेज बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और यार भारत का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टुडे इज़ थर्सडे, कल वेडनेसडे था जो मैंने गलती से थर्सडे बोल दिया, आज वीरवार है। एक बार फिर फोन में चेक कर लो कि वरना मेरे को ना ऐसे भूल जाती हैं चीज़ें, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। आज थर्सडे ही है, 20 अक्टूबर। प्रीति बेसन का चिल्ला खा लेगी? चिल्ला बना लेते हैं ना, बेसन का चिल्ला, और दोपहर के लिए तो रेडी हो गया। और थोड़ी हम ज्वार की रोटी बना सकते हैं, ज्वार का आटा तो है, और नहीं तो हम खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी नहीं ना, दलिया चिल्ला, ठीक है ना? मैंने पिछले व्लॉग में बोला था आज मुझे साइकिल याद आ गया, मुझे इसको धो के फिर सुखा के ढक के अंदर रखना है, तो इधर रखती हूँ पहले इसको। मैं ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, बस हाफ बकेट से इसको धुल दूंगी। ये सीट वगैरह तो बस झाड़नी है, ये नीचे जो मिट्टी वगैरह फंसी है ना इसको साफ़ करके रखना है। आधी पानी की बकेट से मैंने साइकिल को कर दिया पूरा साफ, अच्छी मस्त धूप निकली है, सूख जाएगा, फिर हम इसको रख देंगे ढक के। और आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जो हमारे हेल्पर है ना उनकी पेमेंट ना जाने से पहले करनी है। इवन हमारा जाने का ही डिसाइड नहीं हो रहा यार, बड़ा कन्फ्यूज़न है इनकी छुट्टी का, और इनके साथ जाने का ही मेरा मन है कि इनके साथ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बाहर निकल जाएंगे। और मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ना रोने लग पड़े, कब आओगे तुम लोग, दिवाली है आ जाओ है ना। तो मेरा बड़ा दिल दुखा, और ये पैसे निकाले मेरे को दूध लेके आना है, दालचीनी वाला पानी बना रही हो, और इनके साथ बैठ के कुछ हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा डिस्कस कर रहे थे। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, मैं गाड़ी में से सामान निकाल के लाई हूँ और मेरे को ना 1:30 बज गया, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे को लग रहा था मेरे को चक्कर आ गया। मैं अभी खाना खा रही हूँ दाल चावल, और साथ साथ मैं सामान का देख रही हूँ क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि अभी कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते हैं। तो आज का ब्लॉग बस ऐसे ही रहा कि समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, जाना है नहीं जाना है, कौन सा सामान लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मैं थोड़ा सा ना बैगों को ना तेरे तो बैग बैग ही उसी में है, वो लाल वाला टेची तो निकाला नहीं मैंने, ना मैंने लाल टेची निकाला ना मैंने ब्लू टेची निकाला, क्योंकि हम बाय एयर गए। मेरे घर पे ब्लू वाला टेची पड़ा है तो बस काफी सारा टेची है। वो वाला लेके आओगे? दाल अच्छी बनाई है? बनाऊं? बनाई तो मैंने बनाई है। कैसे कैसे? दाल भी मैंने चढ़ाई थी, तड़का मैंने लगाया है। मैंने डाला था सामान? मैंने डाला। मैं बीच में आई तो थी देखने? हमने सिर्फ देखा था। जब से पूरे हम काम कर रहे हैं पूरे, मुझे आज ही बनाई था। एक बार पनीर भुर्जी बनाई थी और एक आज दाल बनाई। पनीर भुर्जी में तो बहुत तेज नमक था बट दाल अच्छी थी। तूने 3 या 4 बार सब्जी बनाई हुई है सब लगी, नहीं तो मैं ही बनाती। तो आज ना मेरी बिजी थी तो मैं बीच में आई थोड़ा देखने के लिए, मुझे डर लगता है नमक ना तेज डाल दे, बट अच्छी बनी दाल। और हमारा फ्रिज पूरा खाली हो गया, कुछ नहीं है ना, एप्पल एप्पल लेते जाना। पूनम अभी मैं तुम्हें 20 दिन के पैसे दे रही हूँ, 10 दिन हम घर के लिए जाएंगे। अगर भैया साथ में गए तो शायद हम 7 दिन रुकेंगे, अगर भैया साथ में नहीं गए तो हम 10 दिन रुकेंगे। तेरे पैसे मैं पूरे महीने के दूँ या फिर 20 दिन के दूँ? 20 दिन के। मैंने इसको 10-10 दिन के पैसे दे थे, क्योंकि मुझे 10-10 दिन के दे देगा, 10-10 दिन के दे थे। तो प्रीति इस डार्क के कारण मैंने इसको फुल टाइम के लिए रखा था, उसके बाद देखते हैं हाफ ऑफ कर देंगे। ऐसे सुबह काम किया आपने, फिर आप चले गए, शाम को फिर आप 4 बजे आ जाओ, फिर शाम 4 से 5 काम करो, फिर आप चले जाओ, ठीक है? पूरा रहना क्या करना है पूरा दिन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बट ये बहुत बड़ा पिंपल ज़रूर है। और मैंने एक कारपेट पहले डाला, अब ये वाला कारपेट मैं गाड़ी में डालने जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ डालने?
खोला किया सामान पैक, इसमें से मैंने 3-4 झोले निकाले, तो अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और क्या निकालूँ, कि गाड़ी बहुत ओवरलोड हो गई। और ये कारपेट ना मैं साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही कि नहीं हिमाचल में रखूँगी इसको, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये, वहाँ पे बिछाने के लिए बैठने के लिए अच्छा है। पहले मैंने दूसरा वाला डाला था जो ग्रे वाला, नहीं मेरा वो थोड़ा फट गया, मैं कहा चल वहाँ पे चूल्हे के मोरे मम्मी ना उसको बिछाने के लिए यूज़ कर लेंगे और उसको सिल भी लेंगे, तो मेरा वो फट गया, फिर मैंने वो निकाल दिया, मैंने नया वाला डाले, फिर नया वाला डाल ले, पुराना वाला क्यों डालना है। और ये बैग हमको रिटर्न करना था, हमने रिटर्न ही नहीं किया क्योंकि अभी टाइम नहीं है रिटर्न करने का, और अगर हम बायर गए तो ये 2 टच ही जाएंगे हमारा, ये और ये, बाकी सब इधर रहेगा, अगर गाड़ी में गए तो ये सब सामान जाएगा। सो ऐसे ऐसे बना रही है अपने लिए चाय, 2:05 हो गया, मुझे जाना है ATM, वहाँ से निकालने हैं पैसे। ये मुझे अपना ATM दे गए थे कि हिसाब किताब कर देना, दूध का, पूनम का, सबका हिसाब किताब करना है। समझ में नहीं आ रहा मुझे ये वाला पिंपल क्यों आया है, क्यों आया हो पिंपल तुम, क्यों आया हो, क्योंकि जब मुझे घर जाना है तब आए हो आप, हैं कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। पर मैंने तो कुछ उल्टा पुल्टा भी नहीं खाया, कल स्टारबक्स में गए थे तो वहाँ पे भी जो बनाना लोफ लिया था उसमें तो मैंने थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया, हो सकता है चाय की चीनी या फिर आई डोंट नो क्या है। और ना मेरे को हेयर स्पा कराना था, और भारत बोल रहे कि शायद कैंसल हो गया हमारा घर पर जाना, तो दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़। तो फिर मेरा भी ऐसे दिल नहीं कर रहा घर जाने का, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या, हम लोग 2-3 बार सामान पैक कर चुके हैं, एंड मम्मी का सुबह फ़ोन आ रहा था, मम्मी ना रोने लग पड़े, थोड़ी मम्मी को होता है ना कि इतना टाइम हो गया मिले नहीं है, 2 महीने से भी ऊपर हो गया, इवन जब मैं अकेली भी होती थी तो मैं 1 महीने में घर चली जाती थी मम्मी को मिलने के लिए, फिर हमारा कुछ ना कुछ काम हो जाता था जैसे प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ है ना। बट इस बार तो ऐसा हुआ ना कि 2 मंथ से थोड़ा ऊपर हो गया, दिवाली भी है और सारे त्यौहार हमने इधर ही मना लिए हैं, थोड़ा मम्मी को फील हो रहा है। रक्षाबंधन पे हम घर थे, मम्मी कह रहे भाई दूज पे तो एटलीस्ट घर पे आओ, है ना, कि अच्छा माँ को ही होता है कि मेरे बच्चे सब सामने हो। एंड माई मदर इज़ नॉट अ व्लॉग नहीं बनाती, दीपू के व्लॉग में भी कम आते हैं, बट वो बहुत अपसेट से रहते हैं कभी कभी, लेकिन मैं उनको बहुत चिल कर देती हूँ। मैं जितनी भी परेशान हूँ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को जो मेरे साथ हम सबको खुश रखूँ, है ना। भारत भी सेम ऐसे करते हैं, और मुझे लगता है सब लोग ऐसे ही करते होते हैं ना, जैसे अगर हम परेशान हैं तो अगर हमारे साथ वाले परेशान हैं हम उनको ये बताते अरे यार कुछ नहीं होता, वी आर विद यू, है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना। बाकी दीपू वगैरह अगर नहीं आना तो मुझे आज कन्फर्म बता दे, तो मैं और मम्मी आ जाते हैं गाड़ी लेके, तो कुछ भी हो सकता है। एंड मेरा हमारा तो कैंसिल हो गया, मेरा दिल नहीं कर रहा अकेले का बायर जाने का कल को, तो चलो सामान भी है यार बहुत सारी चीज़ें, एंड पता नहीं क्या हो रहा, तो फिर दीपू और मम्मी आ जाएंगे। बाकी आपको अगले वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, इस वाले ब्लॉग में तो अभी तक तो मना ही है। टुडे इज आज फ्राइडे है, थर्सडे वीरवार है ना, आज कल शुक्रवार है। मेरा ना इतना मूड ऑफ हो रहा है, इतना मूड ऑफ हो रहा है कि मैंने पूरी पैकिंग सारी गाड़ी की सब कुछ कर लिया, लेकिन ना क्या होता है कि इनके ना प्रेजेंटेशन है, तो छुट्टी मिलना एंड वो सब चीज़ें बहुत सारे कुछ देखना पड़ता है, तो ये यही बोल रहे कि मतलब कैंसल्ड लग रहा है जाने के लिए, एंड हो सकता है दिवाली वाले दिन या उससे एक दिन पहले ही जाएं, क्योंकि छुट्टी है सैटरडे संडे एंड मंडे की, लेकिन उसमें भी इनको कुछ काम है जो कि प्रेजेंट करना है थोड़ा टाइम के बाद, तो उसका थोड़ा इशू हो गया, तो मेरा इनके बिना जाने का दिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा सामान है, और मैंने मेरे बर्थडे के लिए बहुत अच्छी वाली प्लानिंग करी हुई थी। मतलब पता है पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसे होगा, और मैंने कभी अपना बर्थडे ना इतने अच्छे से मनाया नहीं, कभी भी नहीं। एनिवर्सरी ज़रूर हमने मनाई है बट बर्थडे नहीं मनाया। बट अब से कुछ टाइम से मैंने सोचा है कि जैसे मैं सेलिब्रेट मैंने करवा चौथ किया, उसके बाद जो भी सारे फेस्टिवल थे इस बार सब अच्छे से मनाए हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे मनाना है, और मेरी ज़िंदगी में क्या है, मेरा बर्थडे, इनका बर्थडे, इनको खुशी नहीं होती, बट चलो मेरा बर्थडे, मेरी एनिवर्सरी है ना, एंड जो भी चीज़ें आ रही हैं दिवाली दशहरा, तो मुझे उनको अच्छे से मनाना है। एंड थैंक यू भगवान जी, आप मुझे इस दुनिया में लेके आए और मुझे इतना कुछ देखने को मिला। हमें क्या, हम कहते हैं ना हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, थैंक यू मेरे पास फ़ोन है, आईफोन है, थैंक यू मेरे पास गाड़ी है, थैंक यू भगवान जी हम जिंदा है आज के दिन, हम ब्रीद कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। कहते हैं कि हर चीज़ को थैंक्स कहना चाहिए, तो मैंने जब से ये चीज़ें सीखी है ना छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैं करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी करती हूँ, और मेरे अंदर ना एक जिद है, जिद। तो मेरे अंदर जिद थी कि मुझे घर जाना है इस बार, लेकिन उसमें ना अभी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड हो सकता है फिर हम, फिर मेरा बर्थडे का प्लान कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं तो फिर हम शायद 23rd को ही जाते, मॉर्निंग में चले जाते, शाम तक तो पहुँच जाते। और मेरा बर्थडे है, सो आई वॉन्ट टू सेल यार, प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे बताना कि मैं 1991 23 अक्टूबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं 31 साल की कंप्लीट हो जाऊंगी एंड 32 मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे मेरी जो मेरा बर्थडे केक होगा उसमें मुझे 31 लिखाना थोड़ी होगा, 32 ही लिखा जाएगा ना, कि 31 लिखा जाएगा, मुझे पता नहीं है। और मैंने मेरी ज़िंदगी में मेरे बर्थडे का केक खुद से बना के ऐसे कभी, आपको मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा कुछ सोचा अपने बर्थडे के लिए। मैंने कहा यार प्रियंका ज़िंदगी में ना कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, मेरे पति ऐसे, मेरे पति वैसे, मेरे फैमिली में ये, मेरे में वो, दिन भर दिन कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है ना, उसने ये कर दिया। आज में जियो, आज क्या है, कल परसों चौथ पंजोथ पिछले कल, मतलब नहीं, आज में जियो। सो आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, कोई मेरे साथ जाता है जाए, नहीं जाता है ना जाए, लेकिन मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर करूँगी। और बहुत अच्छे से मैंने छोटे छोटे प्रिपरेशन किया है पता है, और लाइक सेप्टेम्बर मंथ से करी है। तो मैं आपको बोल भी रही थी कि मुझे ना ऐसे मनाना है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में केक नहीं काटा यार। पता है दीपू क्या करता था, दीपू अपने बर्थडे का केक ना खुद लेके आता था और खुद ही काटता था। हम उस पर ना हंसते होते थे, ओ खुद ही केक काट रहे, बोलती थी मुझे तो पसंद नहीं है। मुझे पता है क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि भारत को अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे लगता था जो इनको अच्छा लगता मुझे क्यों अच्छा लगे। बट अभी मैं सोचती ज़रूरी नहीं है ना यार, जो इनको अच्छा लगता वो मुझे भी अच्छा लगे, मेरी अपनी चॉइसेस है। एंड अब मुझे ना सर मम्मी का फ़ोन आया, तो उसके बाद ना मेरे गाँव से ना कोई है, उन्होंने मुझे कॉल करी, वो मेरी फ्रेंड है, मतलब उनके मम्मी मेरे को जानते हैं। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि प्रियंका तू बहुत लकी है कि भारत तेरी ज़िंदगी में, कहा अच्छा कैसे, बच्चे तू बहुत लकी है कि वो तेरी ज़िंदगी में, बस इतना बोलूँगी तेरे को। उसकी मम्मी ने मेरे से बात करी, कह रही बस मुझे पता है मुझे क्यों लकी बोलते, मैं सब बोलते तू बहुत लकी है कि वो बंदा शुरू से लेके एंड तक तेरे परिवार के साथ बेटा बन के खड़ा हुआ है। तो इस बात का भी मैं भगवान जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे भारत जी दिए हैं। एंड वो मेरे लिए ऐसे बोलते, मुझे ये नहीं पता। और यार मतलब आप लोग ना कुछ ऐसे मेरे कल व्लॉग के नीचे कुछ ना कमेंट्स कर रहे थे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, दैट्स इट। दो बार बोल दिया, समझ जाओ अभी, है ना। एनीवेज अभी हम अपने दिन को और अपनी ज़िंदगी को और अपने पल को और आने वाले आर्स को, मिनटों को अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड आंटी ने जो बोला कि मैं बहुत लकी हूँ, तो आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि मैं क्यों लकी हूँ कि भारत मेरी ज़िंदगी में आए हैं, और क्या भारत भी लकी है कि मैं उनकी ज़िंदगी में हूँ। ये हम भारत से ही जानेंगे अगर कभी वो मेरे व्लॉग में आएँ। और जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, उनको पता नहीं होता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। कई बार आ जाते हैं, ऐसे करवा चौथ के टाइम पे आ गए थे, उनको लग रहा है सारा दिन यार मेरे लिए व्रत रखा है, भूखी प्यासी है, तो आ जाते हैं, समझ लेते हैं। बट कई बार हमारे बीच में इतनी सारी डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत बहुत कुछ होता है ना, तो फिर उसके बाद भी ना मैं थोड़ी बचकानी हरकत कर देती हूँ, बट वो कभी नहीं करते। एंड पर यार मैं भी इतनी बचकानी हरकत नहीं करती, मैं चीज़ों को समझ लेती हूँ। एंड समटाइम उनकी गलती होती है, समटाइम किसी और बंदे की गलती होती है, कोई और बंदा कुछ बोल देता है, आज ये वीडियो में है, आज वो वीडियो में है, तो उस वजह से थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज़ YouTube ना मतलब YouTube की वजह से ना बहुत रिश्ते ख़राब हुए हैं मेरे भी। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि लीस एवरीथिंग, लाइक बहुत अंडरस्टैंडिंग है सब कुछ है, बट कई बार जैसे मैंने कुछ बोल दिया या फिर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं या फिर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि ये पार्ट क्यों डाला है, ऐसे करके इस टाइम पे क्यों बोला है, ये बाद में बोलना था, तो ये हमारा लड़ाई का कारण बन जाता है, वो भी किसी के फ़ोन कॉल आने से, अच्छा ऐसे बोला उसने, फिर ये मुझे पूछेंगे, फिर ऐसे लड़ाई हो जाती है हमारी। बट करवा चौथ के टाइम पे तो हम बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, बट फिर भी सब चीज़ें सॉल्व हो गई। सो थैंक यू परमात्मा जी, भगवान जी। लड़ाइयाँ सबके बीच में होती है, माँ बेटी में भी, सब में भी होती है, पर ये थोड़ी है कि मैं अब यूट्यूब पे भी बताती रहूँ सब कुछ ऐसे वैसे। हम बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, मेरे और भारत का। हम लोगों की ना, जैसे उसने मुझे कुछ बोला, आप बताना आपके साथ ऐसा होता है, भारत ने मुझे कुछ बोला तो मैं आगे से कुछ नहीं बोलती, मैं बात ही नहीं करती उनसे दो दो तीन तीन चार चार दिन, फिर वो मुझे सॉरी लैंग्वेज आते हैं, सॉरी का मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं लंच के लिए भी नहीं पूछूंगी उनको, और वो भी फिर कई बार एटीट्यूड में होता है कि नहीं मैं भी नहीं पूछूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी।
बट जब लड़ाई के बाद प्यार होता है ना, फिर जब आप बात करते हो फिर वो थोड़े से पता चलता कि नहीं भाई इसके साथ ये वाली बात नहीं करनी। और मैं कुछ लोगों को बोलना चाहती हूँ कि फ़ोन करके ना आप जो ये चीज़ें करते हो ना, चाहे वो किसी के भी घर वाले हों, है ना, ऐसे बोल दिया उसको, ऐसे बोल दिया, वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। जिस बंदे की बात है आप डायरेक्टली उसको फ़ोन करके पूछ लो, है ना, जैसे मेरे से कुछ इशू है या मेरी मम्मी को भारत से कुछ इशू, मेरी मम्मी कोई भी बात होती है भारत से रिलेटेड मेरे से पूछती है, ये नहीं छूदा उनको फ़ोन करके पूछेंगे। कुछ चीज़ें बीच में ऐसी समटाइम हो जाती हैं बट बाद में सॉल्व भी हो जाती हैं। बहुत लंबा व्लॉग हो गया ना, और यार प्लीज़ मुझे मेरे बर्थडे के लिए ना मतलब बताना, मैं 32 लिखूं या 31 लिखूं, एंड मैं अपने बर्थडे का केक काटना चाहती हूँ और उस दिन मैं 2 कटोरी भर के केक खाना चाहती हूँ, नो डाइटिंग बिकॉज आई एम ऑलरेडी 53 kg और मुझे मेरा वेट ना 50 लेके आना है। उसके बाद भी कुछ एक सरप्राइज है, कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक स्कैन है, कुछ एक डॉक्टर की बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो एक सही टाइम पे सही बात करूँगी। बाय बाय। और पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, बट जो भी होगा एक्साइटेड होगा। बाय बाय।